अमेरिका में डॉलर कमाने की चाहत में विदेश गए नव युवक की तंजानिया में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने विदेश भेजने वाले एजेंट पर पैसे नहीं देने पर युवक को मरवाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने पिहुआ पुलिस को एक शिकायत भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहुवा का है, जहां पर 18 वर्षीय संजोत व उनके परिजनों को यह अंदेशा नहीं था कि विदेश जाने की चाहत में उन्हें न सिर्फ लाखों रुपए गवाने होंगे बल्कि अपने चिराग के टुकड़े को भी हाथ से धोना पड़ेगा। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजोत के घर में उनकी तंजानिया में संदिग्ध मौत की खबर मिलने के बाद घर में कैसे कोहराम मच गया है। संजोत की बहन रमनदीप कहती हैं कि पैसों के चक्कर में एजेंट ने भाई को मरवा दिया, अब उसके अंतिम दर्शन तो करवा दो, उसके भाई का शव कैसे वापस आएगा। वहीं बहन हरमनदीप ने कहा कि अमेरिका भेजने के नाम पर बरनाला के एजेंट ने 26 लाख रुपए में बात की थी, पर 15 लाख रुपए तो दे दिए थे, लेकिन एजेंट ने उसके भाई को अमेरिका भिजवाने की जगह तंजानिया में ही मरवा दिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਟਾ ਮੁੰਡਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਨਗਣ ਵਾੜ ਦਾਂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਕਾ ਤੇ ਜਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਰਵਾ ਤਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਉੱਦਣ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਤਾ संजय सैनी ने रहने वाले जी? ये बरनाले का लड़के का नाम क्या जी? संजोत सिंह रहने वाले जी? ये पेवा। तो आपने इसकी कंप्लेंट की है? जी। मुंडा छोटी उम्र 18 साल का कुछ समझ नहीं कोई गल नहीं हैगी कुछ भी नहीं मुंडे ने मेरे ना 10 बजे तक गल की रात को उस तो बाद मुंडे का नेट बंद किया गया मुंडा शो ही नहीं होया ना सारा दिन मैंने फोन किया कल मैंने पता लगे साडा मुंडा मार के उन्होंने फांसी का बंदा पा के खड़ा करता मुंडे नू सानू ओदी डेड बॉडी चाहिए मैंने मुंडे डेड बॉडी चाहिए है मेरा मुंडा जिंदा करा के दे। डीएसपी पिहोवा ने बताया कि मृतक के चाची संदीप कौर ने शिकायत दी है कि उसके भतीजे संजोत को विदेश भेजना था, पहले एजेंट ने नहीं भेजा तो दूसरे एजेंट से बात की गई। वहीं अब तंजानिया में उसकी आत्महत्या की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई है, तो वहीं पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या। हमारे पास कल संदीप कौर ने एक कंप्लेंट दी थी जो शास्त्री कॉलोनी पेवा से है कि मेरा भतीजा था संजोत, वो एजेंटों ने विदेश में भेजा था, और एक तो यहीं से है राजपाल कश्यप है पेवा से, और लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं आगे नहीं भेज सकता, और उसके बाद इन्होंने किसी दूसरे एजेंट से बात की जो बरनाला का लिखा है इन्होंने, और कोई उसका एड्रेस नहीं, अभी ये बरनाला ही बताया उन्होंने, तो उस पर हमने FIR लॉज कर दी है, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आई थी कि तंजानिया में वो उसने सुसाइड किया है, उस पर FIR लॉज होगी, और जो वहाँ से मैसेज आया था उस पर हमने इनको सूचित कर दिया था कि उसने वहाँ सुसाइड किया है, FIR लॉज होगी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार जन आरोप लगा रहे हैं उनका लड़का वहाँ के एजेंट ने मारा जी। किसके? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनका लड़का एजेंट ने मारा जी। नहीं, एजेंट तो वो तो देख लेंगे हम जब अरेस्टिंग होगी उनकी, कि उनकी लोकेशन कहाँ थी, क्या उसने खुद सुसाइड किया है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कभी हो जाएगा। एजेंट कहाँ कह रहे हैं उन्होंने? एजेंट इन्होंने एक तो बताया यहाँ का पेवा का ही बताया है राजपाल कश्यप ने, और दूसरा बरनाला का बताया है, हाँ पंजाब का। नहीं, डेड बॉडी तो हमने जो हमारे को वहाँ से उस सरकार से गवर्नमेंट से आया था इन्फॉर्मेशन वो हमने इनको दे दी है, जैसा वो आगे कोई पत्राचार होगा वो हम जरूर करेंगे, लेकिन इनको ही एक बार तो एम्बेसी में वहाँ कंटेक्ट करना पड़ेगा कि हम बॉडी मंगवाना चाहते हैं और या वहाँ संस्कार करना चाहते हैं, फिर जो उस पर जो खर्चा वहन होगा या और पत्राचार होगा वो हमारे डिपार्टमेंट से हम करेंगे।
विदेश गए 18 वर्षीय संजोत की अब परिजनों को तंजानिया में आत्महत्या करने की सूचना मिली है, जिसके बाद परिवार में एक तरफ कोहराम है तो वही परिवार संजोत को विदेश भेजने वाले एजेंट पर पैसे न मिलने पर युवक को तंजानिया में मारने के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में इसे लेकर और क्या कुछ सामने आता है और इस मामले में परिवार को युवक का शव कब और कैसे मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।